वी आर अनेबल टू लिंक योर बैंक अकाउंट राइट नाउ पेटीएम। यस गाइस, यदि आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो आप लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं, एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट अभी आप सभी चेकआउट करें, मैंने इसको फिक्स कर लिया है। मैं अपने पेटीएम पे जाकर कोई भी बैंक अकाउंट ऐड कर रहा हूँ तो वो सक्सेसफुली ऐड हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विद इन अ सेकंड्स में। ठीक है, तो ये आपके फ़ोन में दिक्कत क्यों आ रही है, कैसे मैंने इसका सोल्यूशन निकाला, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करने वाला हूँ। सो डैट मुझे काफ़ी कॉमेंट रिसीव हुए कि भाई जब हम यहाँ पे जा रहे हैं, अपने पेटीएम ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड, हमें यहाँ पे बार बार एक ही मैसेज देखने को मिलता है जो कि है वी आर अनेबल टू लिंक योर बैंक अकाउंट राइट नाउ एंड पेटीएम। और इसके साथ साथ थोड़ा सा और लिखा हुआ है, डोंट वरी वी विल नोटिफाई वगैरह। तो अभी देखो इसका जो है एक्चुअल में सोल्यूशन वो है कि मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। आपने यहाँ पे प्रूफ के साथ देख ही लिया है, और यही नहीं, मैंने यहाँ पे एक साथ दो बैंक अकाउंट को भी ऐड करा, यानी कि पहले एक अकाउंट को ऐड करा उसके बाद दूसरे को, दोनों ही यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गए। और इसको मैंने अनइंस्टॉल करके भी किया, उसके बाद भी हो गए। तो अभी इसका रीज़न देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ यहाँ पे क्यों ये दिक्कत आती है। वैसे आती नहीं, अगर आपको आ रही है तो मैं बताता हूँ। एक तो हो सकता है कि आप कोई नया फ़ोन है और उसके अंदर अपना ये सिम डालकर वहाँ पे जाके इसको लॉगिन कर रहे हो पेटीएम एप्लीकेशन को, तो होता है। और अगर आपने बहुत सारी ट्रांजेक्शन कर दिया, फिर लिमिट वगैरह लग जाती है कई बार, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। और कई बार जैसे क्या होता है कि हम बहुत सारे लिंक को, यानी कि बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए SMS भेजते रहते हैं, तो वहाँ पर लिमिट लग जाती है SMS में, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, बट मेन रीज़न यही है, जैसे कि आपने पहली बार नया अकाउंट बनाया है, उसको लिंक करने जा रहे हो बैंक अकाउंट में, तो भी आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तीन चार रीज़न हैं। अब देखो, खैर ये तो मैंने आपको रीज़न बता दिया, अब इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। बट प्लीज़ गाइस, मेक श्योर कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पर आपको एंड्रॉइड फोन से रिलेटेड काफ़ी वैल्यूबल वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ते अपने मेन टॉपिक की तरफ, आपने इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको लेफ्ट या फिर राइट में स्क्रीन को नहीं दिखा रहा हूँ, आपने इसको ध्यान से देखना है। और यार स्किप मत करना, अगर स्किप करके देखोगे फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ, इस तरीके से प्ले स्टोर को ओपन करो। और अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐप स्टोर पे जाके इसको इंस्टॉल करो। ठीक है, यानी कि ऐप स्टोर ओपन करो एंड सर्च बार पे क्लिक करो इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो कर देते हैं, यहाँ पे आपको टाइप करना है पेटीएम। तो जैसे ही आप सभी यहाँ पे पेटीएम लिखेंगे, आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ओपन दिखा रहा है ना, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि यहाँ पे एक बार देख लो कि आपको यहाँ पे ओपन दिखा रहा है कि अपडेट। अगर आपको यहाँ पे ओपन की जगह अपडेट लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप टू डेट कर लो, सबसे पहले इसको अपडेट करो। ठीक है, अगर अपडेट नहीं आई है कोई बात नहीं, इसको आप बैक करो इस तरीके से, और यहाँ पे डायरेक्टली आप जो है पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करो। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ इस तरीके से। बट आपको क्या है, अगर ये दिक्कत आती है तो आपने यहाँ पे जैसे कि अपडेट भी कर लिया, आपको जाना है पेटीएम एप्लीकेशन पे, या फिर सेटिंग्स के ऊपर जाओ, डायरेक्टली पेटीएम पे मत जाओ, सेटिंग्स पे जाओ, और यहाँ पे आपको सर्च करना है ऐप्स। तो आप जैसे ऐप्स लिख के सर्च करेंगे, आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है ना, वो आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे इस तरीके से। इस तरीके सर्च कर लेना सेटिंग में जाके, चाहे तो डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, बट यहाँ पे जाओ, ठीक है, स्टोरेज वाले पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशन आ जाएगी, ये देखो। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पेटीएम एप्लीकेशन को फाइंड करना है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको ना पेटीएम एप्लीकेशन ढूंढ लेनी, उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है इस तरीके से, क्लियर कैच एंड डेटा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपने क्लियर कैच करना है, 5 सेकंड वेट करो, उसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज पे भी क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो इससे ना आपका आईडी जो है अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बैक करो। बैक करने के बाद अब जो है तुम्हें यहाँ पे ध्यान से देखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरीके से अब जाना है यहाँ पे, और अब अगेन पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करो, और यहाँ से इस तरीके से जैसे आप नया एप्लीकेशन स्टोर करते हैं वैसे सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे इस तरीके से अलाउ करो यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपका अकाउंट बन के रेडी जब होगा इसके अंदर, उसके बाद आपको कैसे इसके अंदर ऐड करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो चुका है, अब आपको दिखाता हूँ कैसे अपने बैंक अकाउंट ऐड करना है। इतना करो, अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ कर लिया है और अभी भी आपको दिक्कत आती है, तो उसका भी आपको रीज़न बताऊँगा। आपको यहाँ पे जाएँ, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, प्रोफाइल पे जाते हैं इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट डायरेक्टली भी देखने को मिल रहा है, यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने कोई भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद किसी भी एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम चले जाते हैं SBI। ठीक है, तो ये तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे मेरे फ़ोन में देख पा रहे हैं, मैं आईफोन में यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे विद इन अ सेकंड्स में जो है यहाँ पे लॉगिन हो जा रहा है, यानी कि लिंक हो जा रहा है। अगर आपको बार बार यहाँ पे इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एंड्रॉयड फ़ोन में, जैसा कि आप जाएँ किसी भी को ऐड करें, तो आपको अगर ये दिक्कत आती है बार बार, तो आप समझ जाओ कि दोस्तों ये उन्हीं की तरफ से कोई दिक्कत है। या तो फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जाओ अपनी बैंक विजिट करो, उनको दिखाओ कि हम अपना बैंक अकाउंट जब ऐड कर रहे हैं तो ये दिक्कत क्यों आ रही है। वो भी आपको यही बताएंगे कि ये जो दिक्कत है पेटीएम वालों की ही तरफ से, आपकी तरफ से नहीं है। और खैर अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे ना, देखो इन्होंने लिखा क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक अकाउंट को ऐड करने जाते हैं, तो आपको दिखा रहा है कि वी आर अनेबल टू लिंक योर बैंक अकाउंट राइट नाउ एंड डोंट वरी वी विल नोटिफाई एज यू लिंकिंग इज पॉसिबल, एंड मतलब बता रहे हैं एज सून एज लिंकिंग इज पॉसिबल एंड यू कैन मेकिंग पेमेंट इन पेटीएम थ्रू अदर UPI ID एंड बैंक नेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड। ये कह रहे हैं कि आप चाहें तो पेटीएम में जो है अदर UPI ID के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, तब तक के लिए ये जो मेन दिक्कत है इन्हीं की तरफ से, दैट्स वाई आपको और कुछ भी नहीं करना। वैसे मैंने आपको जो क्लियर कैच एंड डेटा करके बताया
वो कर लो। अगर एप्लीकेशन में कोई ग्लिच होगा तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया, बाकी आपको खुद ही वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये इन्हीं की तरफ से दिक्कत है, तो ठीक हो जाएगा। बाकी ये नए अकाउंट में आ रही वैसे कोई दिक्कत है नहीं इतना ज़्यादा, अगर आप ट्राई करो जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया ये ठीक हो जाएगा, आपका यहाँ पे अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए इसके ऊपर तो मैं बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज़।